क्या आप जानते हैं फील लॉस्ट विदाउट क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए फील लॉस्ट विदाउट? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। फील लॉस्ट विदाउट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी के बगैर अधूरा महसूस होना या बेसहारा महसूस होना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई फील लॉस्ट विदाउट यू। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला फील लॉस्ट विदाउट, जिसका मतलब हुआ अधूरा महसूस करता हूँ या बेसहारा महसूस करता हूँ। मान लीजिए अगर आपको कहना हो इंटरनेट के बिना मैं पूरा दिन अधूरा महसूस किया या पूरा दिन बेसहारा महसूस किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई फेल्ट लॉस्ट विदाउट इंटरनेट होल डे। यानी इंटरनेट के बिना पूरा दिन मैं आधा अधूरा महसूस किया या बेसहारा महसूस किया। यानी मैं ऐसा महसूस किया कि मुझसे कुछ छूट रहा है या मेरे पास किसी चीज की कमी है। यहाँ मैं आपको एक और खास बात बता दूं, कई बार लर्नर कंफ्यूज रहते हैं कि ऑल डे और होल डे में क्या फर्क है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है और इस वीडियो को मैंने ऊपर आई के सिंबल में रखा है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह अपनी माँ के बगैर आधा अधूरा महसूस करती है या बेसहारा महसूस करती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी फील्स लॉस्ट विदाउट हर मॉम। यानी वह अपनी माँ के बगैर आधा अधूरा महसूस करती है या बेसहारा महसूस करती है, या फिर ऐसा महसूस करती है मानो उसके पास किसी चीज की कमी हो या उसे कोई चीज छूट रहा हो। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया और पूरा दिन मैं आधा अधूरा महसूस किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई लेफ्ट माई मोबाइल एट होम एंड आई फेल्ट लॉस्ट विदाउट इट होल डे। यानी मैं अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया और पूरा दिन इसके बिना आधा अधूरा महसूस किया या बेसहारा महसूस किया। हो सकता है कि आप सोचे कि इस टॉपिक का इस्तेमाल कैसे करना है, तो फ्रेंड्स मैं आपसे कह दूं इस टॉपिक का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे और वर्ड फील इस टॉपिक का मेन वर्ब है। आपका सेंटेंस जिस टेंस में हो आप फील का वो फॉर्म लिखें। यानी अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो आप फील या फील्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुम्हारे बगैर मैं आधा अधूरा महसूस किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई फेल्ट लॉस्ट विदाउट यू। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपने सेंटेंस बोला फेल्ट, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि फील लॉस्ट विदाउट का मतलब होता है किसी चीज के बगैर आधा अधूरा महसूस करना या अधूरा महसूस करना या बेसहारा महसूस करना।